Assalamu alaikum dear all, how are you all? I hope that you all will be fine and doing well and taking good care of yourself. I welcome you all to my channel Computer Tech and Solutions. As you all know that we have started a series of videos in which we are discussing the MCQs from the past papers of Sahiwal Board for the Computer Science subject. And we have started with the first year. And this is the fifth video in the series, and in today's video we are going to discuss the paper of the Sahiwal Board. And you all know that we are communicating in the Urdu language so that it will be convenient for everyone to understand. So let's begin our video. Aaj hum discuss karne wale hain 2017 ka paper. 2017 ke paper mein hum dekhenge ki kaun kaun se MCQs aaye the. इससे पहले की वीडियोस में हम 2013 से लेकर 2016 तक के पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने उन पेपर्स को के एमसीक्यूज को रीड करना हो, पढ़ना हो या समझना हो तो आप आई रिकमेंड यू दैट वॉच प्रीवियस वीडियोस को देखें, उनको डिटेल से समझें. किसी भी एमसीक्यूज में आपको कोई परेशानी है या कोई समझ नहीं आ रहा या आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है. एंड आई विल इंशाल्लाह गिव द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन सो दैट दे विल बी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन के साथ. आई एम मोहम्मद नवीद अंजुम एंड वी हैव टू स्टार्ट द एमसीक्यू पेपर ऑफ 2017 पेपर वन. ओके, तो हम 17 हमारे पास दो पेपर हमारे पास हैं, उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे. पेपर वन हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले. हमारे पास 17 का पेपर वन, उसका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे. इस पेपर का पहला सवाल हमारे पास है द एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज, के जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या है. तो इसमें हमारे पास ये एमसीक्यू पहले रिपीट हो चुका है तो हम डिटेल में नहीं चलेंगे, इसकी जस्ट आंसर देखते हैं. एग्जीक्यूटेबल फाइल की एक्सटेंशन है .exe, ठीक है. हमारे पास इस, अगर आपने इसको डिटेल से पढ़ना है तो आई रिकमेंड के पुरानी वीडियोस को देख लीजिएगा जिसमें हमने इस सारे ऑप्शंस को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है. क्योंकि ये एमसीक्यू रिपीटेड है तो हम इसको डिटेल से नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है. वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं नहीं चाह रहा कि आपका टाइम ज़्यादा लूँ. शॉर्ट वीडियो करेंगे हम, जस्ट वही एमसीक्यू हम डिटेल से पढ़ेंगे जो रिपीट नहीं हुए, जो नए आए हमारे पास. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी .exe. लेट्स मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में पूछा गया है प्रेसिंग एंड रिलीजिंग लेफ्ट माउस बटन क्विकली इज का, के लेफ़्ट माउस का बटन जो हम प्रेस करते हैं, रिलीज़ करते हैं तेज़ी के साथ, इसको क्या कहा जाता है. ये चैप्टर नंबर वन से हमारा सवाल है तो उसको हम कहते हैं क्लिकिंग, ठीक है. लेफ़्ट माउस बटन को बार बार छोड़ प्रेस करना, उसको रिलीज़ करना तेज़ी के साथ, उसे हम कहते हैं क्लिकिंग. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे पास सवाल है हेडर एंड फुटर ऑप्शन कैन बी यूज्ड फ्रॉम विच मेन्यू. ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले डिस्कस हो चुका है, ठीक है. हेडर एंड फुटर ऑप्शन किस मेन्यू में होते हैं. हेडर एंड फुटर ऑप्शन आपके पास यूज़ हम कर सकते हैं इंसर्ट मेन्यू से. इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा की बुक्स में, ये रॉन्ग है, उसमें व्यू लिखा हुआ है. तो आप अगर चाहें तो हेडर एंड फुटर को आप देख सकते हैं, एमएस वर्ड को खोलेंगे, ठीक है. तो वहाँ पे हेडर फुटर कहाँ पे मौजूद है, वो इंसर्ट ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू में मौजूद है, ठीक है. हमारे पास एमएस वर्ड में डिफरेंट टैब्स होती हैं तो उसमें से जो इंसर्ट टैब है उसमें आपके पास हेडर फुटर मौजूद है. व्यू टैब को आप खोलेंगे उसमें हेडर फुटर मौजूद नहीं होता. आपकी की बुक्स में आप देखेंगे तो उसमें व्यू टैब लिखा होगा, ठीक है. इसको आप ध्यान से लिख लीजिएगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बी विल बी द राइट आंसर इंसर्ट. तो चलते हैं एमसीक्यू नंबर फोर की तरफ. चौथे एमसीक्यू में हमसे पूछा गया हाउ मैनी वर्कशीट्स आर कंटेंड इन अ वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट, कि आपकी जो वर्कबुक है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं. ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 से सवाल आया है.
आपकी वर्कबुक में जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं, जो ऑटोमेटिकली जब आप वर्कबुक को खोलते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स आपके सामने आती हैं, 3 शीट्स आती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है, ऐसे लिखा होता है नीचे बॉटम पे। आप देखेंगे तो एमएस वर्ड एक्सेल को खोल के उसमें 3 शीट आती हैं बाई डिफ़ॉल्ट, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर 3। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड एमसीक्यू नंबर 5। पांचवे सवाल में हमसे पूछा गया है वेब पेजेस आर कनेक्टेड टू वन एंड अदर यूजिंग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट टाइम डिस्कस हो चुका है कि वेब पेजेस कनेक्ट कैसे होते हैं, हाइपर लिंक्स के ज़रिए, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन ए था, यहाँ पे ऑप्शन सी है हाइपर लिंक्स का। तो आपने एमसीक्यूज़ को ध्यान से पढ़ना है फिर आपने क्लिक करना है, ठीक है, आप क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि ऑप्शन आगे पीछे कर दिए होते हैं, चेंज कर दिए होते हैं, तो बच्चों ने बस रट्टा लगाया होता है कि इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन बी है, इसका ऑप्शन सी है, उसको पढ़ना है, सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, फिर आपने उसको सर्कल करना है आपकी आंसर बबल शीट पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स के ज़रिए वेब पेजेस सारे आपस में जुड़े होते हैं। चलते हैं छठे सवाल की तरफ। छठे सवाल में हमसे पूछा गया है विच की रिमूव्स द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ये एमसीक्यू बाद हर दफ़ा हमने डिस्कस कर दिया है कि लेफ्ट ऑफ द कर्सर पे करेक्टर को रिमूव करने के लिए कौन सी की होती है और राइट ऑफ द कर्सर पे करेक्टर को रिमूव करने के लिए कौन सी की होती है। तो लेफ्ट साइड पे हम यूज़ करते हैं बैकस्पेस, लेफ्ट साइड पे अगर रिमूव करना है और अगर आपने राइट साइड पे रिमूव करना है तो हम यूज़ करते हैं डिलीट की, ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड का पूछा गया है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकस्पेस की, ठीक है, और राइट साइड पे के लिए डिलीट की। तो हमारे लेफ्ट साइड पे था तो यहाँ पे पूछा गया लेफ्ट साइड का, तो हम बैकस्पेस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगर आपके पास पूछे कि राइट साइड पे कौन सी रिमूव होती की रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं करेक्टर रिमूव करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है राइट साइड पे डिलीट की, लेफ्ट साइड पे बैक स्पेस की। ओके, आई होप कि समझ आ गया होगा आपको, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं सातवें सवाल की तरफ। सातवां सवाल हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टर प्रिंटर, के सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा होता है। ये एमसीक्यूज भी काफ़ी दफ़ा पेपर्स में आ चुका है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सबसे फास्ट प्रिंटर हमारे पास होता है लेज़र प्रिंटर, ठीक है, हमारे पास ये लेज़र प्रिंटर टाइप किसकी है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की, ठीक है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की टाइप है लेज़र प्रिंटर, ये हमारे पास सबसे फास्ट होता है। वैसे तो इंक जेट भी आपके पास लेज़र प्रिंट उसकी नॉन इंपैक्ट की टाइप है, लेकिन ये लेज़र प्रिंटर से स्लो होता है इंक जेट प्रिंटर, ठीक है, तो हमारे पास लेज़र इंक जेट ये नॉन इंपैक्ट की टाइप है, और इसके अलावा नीचे जो लिखा है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, ये हमारे पास टाइप्स हैं इंपैक्ट प्रिंटर की। तो उसने पूछा सबसे फास्ट कौन सा होता है, लेज़र प्रिंटर सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, इसमें ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया है ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, कि आपके जो नेटवर्क पे हर कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है पहले, तो इसको हम कहते हैं नोड, ठीक है, कि नेटवर्क है उसमें नेटवर्क में अगर 100 कंप्यूटर लगे हैं तो उन 100 के 100 कंप्यूटर्स को हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे, नोड 1, नोड 2, नोड 3, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, देखिए लिंक, कोड, नोड, मोड, तो यहाँ पे बस ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर नोड। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, उसमें पूछा गया है OSI मॉडल वाज क्रिएटेड बाय, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का सवाल है ये। OSI मॉडल का हर दफ़ा MCQs लाजमी पेपर में आता है, ठीक है, किसी लेयर में से दे देता है OSI मॉडल का, दे देता है OSI मॉडल कब बना था, किसने बनाया था, ये सवाल दे देते हैं, ठीक है, OSI मॉडल लेयर के जो काम है वो क्या क्या थे वो पूछ लेते हैं, उसमें क्या चीज़ होती है वो पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, OSI मॉडल का एक MCQ बनता है पेपर में, तो इसको ध्यान से देखिएगा, OSI मॉडल को पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है OSI मॉडल किसने बनाया था, ISO एक कंपनी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपके पास ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो हमारे पास इसने ये OSI मॉडल बनाया था, ISO इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, हमारे पास ISO का क्या मुखफ़ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड MCQ नंबर 10। 10 में हमसे पूछा गया है हाउ मैनी कैरेक्टर्स ASCII 8-bit कोड कैन रिप्रेजेंट,
अब इसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, ASCII के दो कोड्स थे, ASCII 7 बिट कोड और ASCII 8 बिट कोड। ठीक है, ASCII 7 बिट कोड रिप्रेजेंट करता है 128 कैरेक्टर्स और ASCII 8 बिट कोड रिप्रेजेंट करता है 256 कैरेक्टर्स। ठीक है, बच्चे इसमें अक्सर मिस्टेक करते हैं इस MCQs में, और ये लिखते हुए मिस्टेक करते हैं। ASCII के बारे में सवाल आता है तो ASCII के बारे में वो लिख देते हैं कि 128 बिट्स रिप्रेजेंट करता है वो। ASCII जो पुराने वाला था उसमें 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, 7 बिट कोड था वो। जो ASCII न्यू है उसमें हमारे पास ASCII 8 बिट कोड है वो, उसमें हमारे पास रिप्रेजेंट होते हैं 256 कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बिट का पूछा गया आपके, 8 बिट कोड कितने रिप्रेजेंट करेगा, 256 कैरेक्टर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू वर्ड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है सेलेक्ट अनगाइडेड मीडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपने बताना है कि अनगाइडेड मीडिया की टाइप कौन सी है। तो देखते हैं ऑप्शन को, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये हमारे पास गाइडेड मीडिया होती है, तार होती है, कॉक्सल ये भी तार है, कॉक्सल केबल तो ये भी गाइडेड मीडिया है, फाइबर ऑप्टिक ये भी तार है, ये भी गाइडेड मीडिया है। ठीक है, गाइडेड क्या होती है, ऐसा मीडिया जिसमें हमें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी फिजिकल कनेक्शन की जरूरत होती है, फिजिकल वायर की जरूरत होती है उसे हम कहते हैं गाइडेड मीडिया, और जिसमें हमें फिजिकल कनेक्शन की जरूरत नहीं होती उसे हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सैटेलाइट। सैटेलाइट को हम सिग्नल के जरिए कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अर्थ स्टेशन के साथ। ठीक है, इसके एक ऑप्शन आता है कि डाउनलिंक क्या होता है, अपलिंक क्या होता है। जब हम डाटा ज़मीन से भेजते हैं सैटेलाइट में तो उसे हम कहते हैं अपलिंक, जब हम डाटा सैटेलाइट से लेते हैं ज़मीन पे तो उसे हम कहते हैं डाउनलिंक। ठीक, तो अर्थ स्टेशन पर जब डाटा आ रहा है उसे कहते हैं डाउनलिंक, जब अर्थ स्टेशन से डाटा जा रहा है सैटेलाइट पर उसे हम कहते हैं अपलिंक। यहाँ पे पूछा गया था कि इसमें से अनगाइडेड मीडिया कौन सा है, अनगाइडेड मीडिया इसमें से है सैटेलाइट, जिसमें तार की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू वर्ड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है मैनी बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ। ये MCQs भी बार हर दफ़ा पेपर में आ चुका है कि बैंक्स किस चीज़ की फैसिलिटी देते हैं। चैप्टर नंबर 4 से सवाल है ये, बैंक्स हमें देते हैं फैसिलिटी ATM की। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM, उसकी फैसिलिटी हमें देते हैं बैंक। बैंक के बाहर लगी होती है मशीन जहाँ से हम पैसे निकलवाते हैं, कैश निकलवाते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन अपनी करते हैं ATM से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू वर्ड क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है एक्सपेंशन कार्ड्स आर इंसर्टेड इनटू। ये MCQs हमसे दो दफ़ा पीछे पेपर पिछले पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स कहाँ पे लगाए जाते हैं, कहाँ पे फिक्स किए जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड्स हमारे पास होते हैं स्लॉट्स के अंदर लगते हैं, ठीक है, जो हमारे मदरबोर्ड पे छोटी छोटी स्लॉट्स होती हैं, नैरो स्लॉट्स, उस पर हम लगाते हैं एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड क्या है, जैसे ग्राफिक कार्ड है हमारा, साउंड कार्ड है, ठीक है, वीडियो कार्ड है, ये सब हमारे लगते हैं एक्सपेंशन कार्ड, लगते हैं स्लॉट्स के ऊपर। ठीक है, मदरबोर्ड पे छोटी छोटी सॉकेट्स होती हैं जहाँ पे हम एक्सपेंशन कार्ड लगाते हैं ताकि कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके। ठीक है, उसके लिए हम लगाते हैं एक्सपेंशन कार्ड, स्लॉट्स पे लगते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू वर्ड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है विच मेमोरी इज़ यूज टू स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेसिंग। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मेमोरी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इसमें तो पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी हमारे पास कंप्यूटर की जो है प्रोसेसिंग स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे रोम, ये भी मेमोरी की टाइप है, कैश मेमोरी ये भी मेमोरी की टाइप है, बायोस हमारे पास, और HDD ये हमारे पास स्टोरेज होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रोम और कैश और बायोस में हमारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कैश जो हमारे पास मेमोरी है ऑप्शन बी वाली, ये एक CPU के सबसे पास होती है इन ऑप्शंस में से, तो CPU की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, अक्सर रैम भी दिया तो ऑप्शंस में तो बच्चे कुछ रैम को लगा देते हैं, तो अगर रैम भी मौजूद हो तो फिर भी आपने कैश को लगाना है। ठीक है, कैश क्योंकि इस CPU के सबसे ज़्यादा करीब होती है, रैम कैश के बाद आती है। ठीक है, तो हमारे पास का ऑप्शन होगा कैश मेमोरी, CACHE कैश मेमोरी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू वर्ड क्वेश्चन नंबर
15। आखिरी सवाल हमारे इस पेपर का, इसमें पूछा गया है मैकैफे इज़ एन एग्जांपल ऑफ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है कि मैकैफे किस चीज़ की एग्जांपल है। मैकैफे हमारे पास है एक सॉफ्टवेयर जो कि क्या करता है, वायरसेस को रिमूव करता है। तो वायरसेस को रिमूव करने वाले सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, एंटीवायरस। ठीक है, तो ये मैकैफे जो है ये एंटीवायरस की एग्जांपल है। ठीक है, वायरस तो आपके पास पता है कि जो हमारे पास डाटा को करप्ट करता है, हमारी फाइलों को करप्ट करता है, डैमेज करता है, या कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को कम कर देता है, उसे हम कहते हैं वायरस। लेकिन मैकैफे क्या है, उन वायरसेस को रिमूव करता है, तो उसको हम कहते हैं एंटी वायरस। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो 2017 का पेपर वन, उसकी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक सारे MCQ सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आई रिकमेंड कि आप पुरानी वीडियोस को देखिएगा, उन वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आपके साथ, और आगे आने वाली वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आप किसी भी वीडियो को गौर से मतलब कि पढ़ने के लिए उन लिंक को देख सकते हैं। 2013 से लेके ऑनवर्ड जितने पेपर हमारे पास हैं उन सबको हम 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं सीरीज़ में। और आई रिकमेंड कि आप सब वीडियोज़ को देखिए अपने पेपर की भरपूर तैयारी के लिए। इससे क्या होगा कि आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं मोस्टली आपके पास MCQs उन्हीं में से आते हैं। ठीक है, आप इन सब को देखिएगा ध्यान से। कुछ क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि आपको बार बार कि की बुक्स में रॉन्ग लगे हुए हैं उनके आंसर्स, तो उनको भी हम डिस्कस किया हुआ है इन वीडियोज़ में, ट्यूटोरियल्स में, तो उन सबको आप देखिएगा। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी मुफीद आरा से मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप कौन से कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टिल देन। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।